तो सरदार जी यहाँ पे चूल्हे पे गरम कर देते हैं, गर्मा गर्म करी और साथ में ऊपर से पकौड़ी। भाई साहब क्या रंगत है भाई साहब चने की, काफी अच्छा यार मैं बोल सकता हूँ, काफी बैलेंस मसाले यूज करे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल, होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज हम आपको दिखाने हैं जी बहुत ही बढ़िया सरदार जी का पंजाबी खाना, जिनके यहाँ की कड़ी बहुत बढ़िया जी, और इनके यहाँ मिलता है जी मट्ठी छोले और कुल्चे छोले। तो आज चलते हैं इनके पास, दिखाते हैं आपको इनकी प्रिपरेशन और क्या क्या इनके पास। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को फॉलो कर देना, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हम चलते हैं उनके पास और करते हैं उनका खाना ट्राई। तो हमारे साथ ऐसे सरदार जी, तो आई करते हैं बातचीत, तो देखते हैं जी क्या क्या इनके पास। सबसे पहले सत श्री अकाल सर जी। जी हाँ, चल पाजी अपना ठीक है जी। अपा को पाजी की हुंदा जी? अपने को जी चना मट्ठी हुंदी है। ठीक है जी, ये अमृतसरी मट्ठी है। अच्छा, ये थोड़ी स्पेशल मट्ठी है। अच्छा, एक दिखाओ मट्ठी, दिखाओ दोबारा। ये कितना मतलब तुसी अमृतसर तो ही मंगांदे हो जी? अच्छा अच्छा, वाह जी वाह, बहुत खूब। तो ये देखिए जी, ये है जी इनके पास मट्ठी छोले, आटा और मैदा मिक्स रहता है। अच्छा, ये आटा और मैदा मिक्स रहता है और तेल नहीं इसमें। और भाई साहब, और देख रहा हूँ मैं काफी क्रिस्पी मट्ठी है। अच्छा, तो ये आप मतलब अमृतसर ही अमृतसर से मंगाते हो वहाँ से? बहुत खूब जी। उसके अलावा सर जी आप दिखाइए और क्या क्या होता है आपके पास? मेरे पास एक कड़ी होती है। अच्छा, ये है जी आपकी कड़ी लस्सी की। और भाई साहब, और देख सकते हो कितना बढ़िया जी ऊपर खड़े मसालों का तड़का लगाया हुआ है जी, बहुत खूब जी। अच्छा जी, और दिखाइए सर जी अपने पास क्या क्या है? ये चने है। अच्छा, ये हो गए आपके चने। और भाई साहब क्या रंगत है भाई साहब चने की, और यहाँ पे खड़ा ना इतनी स्ट्रॉन्ग इसमें मिली की खुशबू आ रही है ना। तो आंवला डला होता है। अच्छा, आंवला डला होता है। आंवला। अच्छा अच्छा, दादाजी इसकी कीमत क्या रहती है कुलचे चने की? 50 रुपीस। अच्छा, और अपना कड़ी चावल ये मेन्यू है। अच्छा, ये है जी इनके यहाँ का मेन्यू, तो आप देख दे सकते हो जी, ये है जी मेन्यू इनके यहाँ का। और आगे से मैं दिखा देता हूँ जी आपको, बहुत ही प्यारा सेटअप है जी, ये देखिए। ये है जी सरदार जी का सेटअप, परी फूड कॉर्नर, जिनके यहाँ मिलता जी बहुत ही बढ़िया कड़ी चावल, कुलचे छोले और अपना इनके यहाँ का स्पेशल मट्ठी छोले। तो ये है जी इनके यहाँ के राइस सर जी, अपना कौन सा राइस रहते हैं? बासमती हाफ। ठीक है, तो आप देख सकते हो काफी प्यारे और खिले खिले राइस है जी, ऊपर से देख सकते हो इन्होंने तेज पत्ता वगैरह भी डाला हुआ है, काफी बढ़िया जीरा राइस है जी, लाजवाब। और ये देखिए जी, ये है जी यहाँ पे इनका पूरा सेटअप, काफी प्यारा और साफ सुथरा सेटअप है भाई साहब। और वो देखिए, आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखिए जैसे कस्टमर्स का ऑर्डर आता है जी, ये देखिए तो सरदार जी यहाँ पे चूल्हे पे गर्म कर देते हैं, गर्मा गर्म कड़ी और साथ में ऊपर से पकौड़े कट के डालते हैं, तो एकदम क्रिस्पी पकौड़े और गर्मा गर्म कड़ी साथ में राइस भाई साहब। ये है जी इनका यहाँ पे साथ में सैलेड, जिसके भी चटना है जी, चटनी और धनिया वगैरह दिख रहा है। और ये है जी इनकी चटनी, चटनी सरदार जी किस चीज़ की रहती है? पुदीने की। अच्छा, पुदीने की। तो ये है जी पुदीने की चटनी, और ये आगे जी थोड़ी सी इमली वाली चटनी है लाजो। तो ये देखिए जी भाई साहब, ये जैसे ही गर्मा गर्म और आप देख सकते हैं एकदम धुआं छोड़ रहा है भाई साहब बड़ी। और ये होगी जी तैयार, जिसकी कीमत है जी 50। तो ये देखिए जी यहाँ पे होने लगे जी अब कुलचे छोले की प्लेट तैयार। सबसे पहले आप देखिए जी, पैन में रख लिया सरदार जी ने चने, और इसको करा जाएगा जी इनके जो गैस और चूल्हा जी उसके ऊपर गर्म। और ये देखिए जी, जैसे ही आता जी और साथ में ये चला देते हैं सरदार जी गैस, और ये चला गया जी ऊपर, तो एकदम गर्मा गर्म साथ में मिलता है, और साथ में कुलचे भी गर्म कर दिए जाते हैं। और एक बार सरदार जी मुझे कुलचे का साइज़ दिखाना जरा खोल के, कैसा है? तो सरदार जी का कहना है जी इनके जो कुलचे ना वो भी बहुत स्पेशल है जी, तो आपको दिखाते हैं इसका साइज़, जो हम नॉर्मल कुलचे खाते हैं उससे भाई साहब डबल साइज़ है, और इसकी कीमत भी है जी 50 रुपये। आप देख सकते हो कितना बड़ा साइज़ है यार, वाह जी वाह। ये दो कुलचे जाते हैं सर जी एक प्लेट में? एक प्लेट में। ठीक है जी, बहुत खूब जी, बहुत खूब। ये देखिए जी, ये साथ में लग रही है जी एक प्लेट चना मट्ठी, जो कि यहाँ की मट्ठी भी भाई साहब स्पेशल है, वाह जी वाह। आप देख सकते हो काफ़ी प्यारी और काफ़ी एकदम ना क्रिस्पी मट्ठी है जी, और साइज़ भी ना मेरे तरफ बहुत छोटा है, जिससे वजह से क्रंचीनेस और बढ़ जाती है। और ये देखिए जी एकदम से करती क्रश, और ये देखिए भाई साहब अब बढ़िया सी भाई साहब प्लेट तैयार हो रही है हमारे कुलचे छोले और चना मट्ठी की। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक टू बैक कस्टमर्स आ रहे हैं जी, वो आ जी। सर जी आपसे पूछ सकते हैं एक बार, कैसा लगता है इनका खाना आपको? आते रहते हो आप यहाँ पर? बहुत बढ़िया जी, अच्छा लगता है टेस्ट। आप पर्सनली क्या खाते हो यहाँ पर? कड़ी चावल। ठीक है, तो ये लगने जा रहा है जी हमारा यहाँ पे कुलचे छोले की प्लेट और साथ में कड़ी चावल जी। सबसे पहले आप देख सकते हो जी, ये आगे जी कुलचे, और कुलचे का साइज़ भाई साहब सच में डबल कुलचे का साइज़ है, जितना एक नॉर्मल कुलचा होता है सरदार जी का डबल साइज़ है जी। और आप देख सकते हो, ये देखिए भाई साहब साइज़ इतना बढ़िया साइज़ है भाई साहब, और ये खुद बनवाते हैं जी। एक बार मुझे ये बताइए, इससे पहले आप क्या करते थे सरदार जी? पहले मैं सुपरवाइजरी करता था। अच्छा, रिजॉर्ट में, रेड मैंगो में। अच्छा अच्छा, बाकी करनाल वगैरह जाते थे। ठीक है जी, ठीक है, मतलब आपको इस लाइन का एक्सपीरियंस है पहले, फिर आपने ये शुरू कर लिया, तो आपको कितना टाइम हो गया?
ये तो एक्सपीरियंस नहीं था, ये तो लॉकडाउन ने सिखा दिया। अच्छा, लॉकडाउन ने सिखा दिया, ठीक है जी, ठीक है। तो ये देखिए जी, ये आ गया जी, सबसे पहला तवे के ऊपर बटर, और ये अपना अमूल बटर रहता है सरदार जी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, तो भाई साहब ये देखिए जी, ये आ गया जी इसके ऊपर अमूल बटर, और 50 रुपये कीमत है जी। सरदार जी एक बार ना मुझे लोकेशन बता दीजिए, अपनी लोकेशन क्या है? ये शहीद भगत सिंह नगर। हाँ जी, ए ब्लॉक पर जी मार्ग रोड है ये। ठीक है जी, FOE वाली। अच्छा, अपना नहर से आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो राइट पड़ेगा। अच्छा, अगर ये फुल्ला वाल के पेट्रोल से आ रहे हैं तो लेफ्ट में पड़ेगा। ठीक है जी, ये सिटी सेंटर की रोड है यहाँ पे। अच्छा, सामने सिटी सेंटर की रोड है। सामने सिटी सेंटर रोड है। अच्छा, इधर यहाँ ये पखवाल रोड है, इधर से। अच्छा, इधर से पखवाल रोड है जी। तो भाई साहब मैं आपको लोकेशन समझा देता हूँ जी, अगर आप इस साइड से आओगे तो यहाँ से सिटी सेंटर रहता है, और अगर आप उस साइड से आओगे वो वहाँ से पखवाल रोड आती है, और यहाँ पर ही है जी सरदार जी का स्टॉल। इधर होने लगी है जी हमारी कढ़ी चावल की प्लेट तैयार। सबसे पहले आप देख सकते हो ये आ गई जी इसके बीच कढ़ी, और कढ़ी का रंग और खुशबू भाई साहब अगर आप यहाँ होगे ना तभी बता सकते हो कि ये कैसा ही है भाई साहब, इतनी लाजवाब कढ़ी। और ये देखिए जी सरदार जी ने रखे होते हैं पकौड़े अलग, ताकि पकौड़े बीच में ना घुल ना जाए, इसलिए सरदार जी ने इसको अलग रखा होता है, और जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आए उसको साथ ही साथ कट के पकौड़े फिर दे दिए जाए। और ये देखिए जी, ये हो रही है जी पकौड़े की कटिंग, लाजवाब भाई साहब, ये होगी जी कटिंग जो भी जाएंगे जी कढ़ी में। और उधर हो रहे हैं जी हमारे चने गरम, और ये हो रही है जी हमारी कुलचे छोले की प्लेट तैयार, जिसकी कीमत है जी 50 रुपये भाई साहब। एकदम बढ़िया से गर्मा गर्म कुलचे छोले की प्लेट तैयार है जी हमारी। तो हमारी कढ़ी चावल की प्लेट के लिए ये आ रही है जी, सबसे पहले इसके भी चावल, क्या प्यारा भरा एक एक दाना आप देख सकते हो भाई साहब, खिला खिला दाना है, इसको कहते हैं भाई साहब क्वालिटी और एक अच्छा खाना। और अब इसके बीच जा रहा है जी सैलेड, ये आ गया जी इसके बीच प्याज, और ये जा रही है जब इसके बीच चटनी, और ये आ गई जी इसके बीच इनकी स्पेशल चटनी भाई साहब, और ये जा रही है जी इनकी दूसरी इमली की चटनी। वाह जी वाह, और हमारी कढ़ी भी बस तैयार होने वाली है जी, और ये आ गया जी मसाला। वाह जी सदा जी, ये मसाला कौन सा रहता है? ये गरम मसाला ही है थोड़ा सा। अच्छा, गरम मसाला फ्लेवर के लिए। ठीक है जी, ठीक है। तो ये देखिए जी इधर हमारी कढ़ी भी तैयार है एकदम, आप देख सकते हो एकदम धुआं छोड़ती कढ़ी तैयार है। और ये देखिए जी क्या लाजवाब भाई साहब, और इसमें खुशबू भाई साहब इतनी बढ़िया प्यारी मैं कहना यार। तो जी हमारी यहाँ पे सरदार जी ने लगा दी बढ़िया से अपनी कढ़ी चावल की प्लेट, और साथ में कुलचे छोले की प्लेट जी, तो दोनों की कीमत है जी 50 रुपये। सबसे पहले करते हैं जी कुलचे छोले ट्राई, और आप देख सकते हो काफ़ी प्यारा और काफ़ी बड़ा साइज़ है भाई साहब कुलचे का, अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो बहुत बड़ा साइज़ बनता है भाई साहब कुलचे का। और ये सरदार जी खुद तैयार करवाते हैं, और एकदम बढ़िया से आप देख सकते हो कितना फ्लफ़ी कुलचा है, ये देखिए जी। तो लेते हैं जी एक बाइट, इसके साथ मैं ले लेता हूँ जी इनकी प्याज, और ऊपर भी इनकी इमली की चटनी, और ये है जी इनके चने, और चने में सरदार जी आंवला डालते हैं, काली मिर्च, और काफ़ी बढ़िया और प्योर मसाले डालते हैं। तो ये है जी बाइट। मुंह में डालते ना सबसे पहले मुझे इमली का टेस्ट आया भाई साहब, जो इसमें खटास है ना इमली की और आंवले की, बहुत अच्छा टेस्ट दे रही है यार, और एकदम बढ़िया, ज़्यादा ये नहीं है ऑयली चने हैं या ज़्यादा मसाले वाले चने हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है यार। हाँ हाँ हाँ, इसकी जो ग्रेवी है ना, जो इसकी तरी है, मुँह में घुलने वाली है एकदम बढ़िया, काफ़ी अच्छा यार मैं बोल सकता हूँ, काफ़ी बैलेंस मसाले यूज़ करे हुए हैं। तो एक बाइट लूँगा जी मैं अपनी कढ़ी चावल के साथ, और ये है जी हमारी कढ़ी, और बीच में सरदार जी ना पकौड़े भी इन्होंने अलग रखे होते हैं, कढ़ी के बीज नहीं डाले होते ताकि वो घुले ना और थोड़े क्रिस्पी रहें। तो ये है जी बाइट मेरी कढ़ी चावल की, इसकी कीमत है अभी 50 रुपये, और इसमें खड़े मसाले का खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है यार। तो ये रख लेता हूँ जी ऊपर से प्याज, और ये है जी बाइट। वाह, एकदम बढ़िया खट्टी कढ़ी है, लस्सी से जैसे बनाते हैं ना सरदार जी, लस्सी से बनाते हैं, और एकदम खट्टी है, बढ़िया टेस्ट है यार, जैसा हमें कढ़ी पसंद होती है नॉर्मली, एकदम वैसा सूट टेस्ट है। और मैं बोलूँगा यार दोनों चीज़ों का ना प्रिपरेशन बहुत साफ़ सुथरी और बहुत प्योर मसाले यूज़ करे हुए हैं, ये बात आपको मानने वाली है। तो आप भी अगर इधर आना चाहते हो तो आप ज़रूर आना जी, हमने आपको वीडियो में अंकल जी की लोकेशन बता दी है, और अगर आप इधर आके खाना चाहते हो तो ज़रूर खाना, और हमें कमेंट करके बताना कि आपको इनका खाना कैसा लगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को फॉलो करना जी। मिलते करो मस्त वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।